इसका इंजन पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया गया है। ये है नई वाली रॉयल इनफील्ड हंटर 350। जी हाँ, इसमें कंपनी ने अब BS6 फेज 2 वाला इंजन दे दिया है। E20 के सपोर्ट के साथ आती है और इसी के साथ साथ OBD2 का भी सपोर्ट आ गया है। और क्या कुछ नया है, प्राइस कितनी है, माइलेज कितना देती है, कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने कलर आते हैं, इन सभी सवालों के जवाब इस बाइक से रिलेटेड आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ सभी के सामने एक बार फिर से रॉयल इनफील्ड की एक और नई बाइक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कलर की। ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगी। अभी यहाँ पर व्हाइट कलर में खड़ी हुई है, ब्लू कलर में भी मिल जाएगी, रेड कलर में भी मिल जाएगी, ब्लैक कलर में भी मिल जाएगी, सिंगल टोन में भी मिल जाएगी, डुअल टोन में भी मिल जाएगी। ठीक है, कलर सब्जेक्टिव है, जो भी आपको पसंद हो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। यह मोटरसाइकिल 180 किलो की है, 180 इसका कर्व वेट है और इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm का मिलता है, ये थोड़ा सा कम है। इसकी लेंथ है 2055 mm की, विड्थ है 800 mm की, हाइट है 1055 mm की, व्हील बेस है 1370 mm का और इसकी सीट हाइट है 800 mm की। जिस किसी की भी हाइट कम है ये बाइक उनके लिए भी बेहतर है। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर करते हैं, चारों तरफ से इस बाइक को देखते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल। फ्रंट से ये बाइक कुछ इस तरीके की लगती है। आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसके हेड हैंडल ORVM के डिज़ाइन को, क्योंकि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये एज ए एसरीज लगी हुई है, वाइज़र। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो राउंड शेप में मिलती है, ये देखिए। हेडलैम्प पे कंपनी ने हेलोजन बल्ब का यूज़ किया है, पायलट लैम्प भी मिलता है जो कि इग्निशन के ऑन होते ही ऑन हो जाता है, ये देखिए। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसमें कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज़ किया है। हज़ार लाइट का फीचर मिलता है, फ्रंट से ये कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करा रहा है, ये देखिए। ORVM राउंड शेप में मिलते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विथ रबर प्रोटेक्शन। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है जो कि फाइबर में मिलता है भाई, ठीक है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इस बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। अलॉयज का बैटन कुछ इस तरीके का है और इसके अलॉयज पर स्टेप मिलती है, रॉयल इनफील्ड मेंशन किया गया है। फ्रंट में MRF कंपनी के बेहतर क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। आइए मैं आपको साइज भी दिखा देता हूँ, जो कि है 110/70/17, ठीक है। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं, ये देखिए। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, रॉयल इनफील्ड को मेंशन किया है, यहाँ पर ये प्योर को मेंशन किया है। वाइट कलर में टैंक मिलता है, ये देखिए। सबसे बड़े अपडेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए E20 का सपोर्ट मिलने लगा है। क्रोम में मिलता है इसका फ्यूल कैप। इस बाइक में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। टैंक मेटल में मिलता है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक हैंडल ORVM के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। आइए अब इसके सभी फीचर बटन देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड यहाँ पर एक आई बटन मिलता है, ये देखिए। यहाँ पर ये लो बीम, हाई बीम और पासिंग नॉब मिलता है। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच, उसके नीचे हॉर्न का बटन मिलता है। इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर एक इंडिकेटेड नॉब मिलता है, जिससे आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हो और इंजन को स्टॉप करने के लिए। उसके नीचे डेडिकेटेड एक हज़ार लाइट का स्विच मिलता है। इस बाइक के साथ में दो चाबियां मिलती हैं, ये देखिए। वेब कीज मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ये देखिए। इसके इग्निशन को कंपनी ने सेंटर में मेंशन किया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लगाने में, बिल्कुल नोटिस करने वाली भी नहीं है, ठीक है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है को जिस तरीके से होती है, सेमी डिजिटल मीटर मिलता है। स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलता है और एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है सेंटर में, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, ये देखिए, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ऑडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक मिलती है और नीचे की तरफ बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। लो फ्यूल इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर,
साइड टर्न इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। सिंगल हॉर्न मिलता है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, देखते हैं कितना लाउड है। ठीक ठाक लाउड है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त। इंजन गार्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए क्रैश गार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। ये सभी चीज़ें एज एसरीज हैं, ठीक है, आपको अलग से ही लगवानी पड़ेंगी। आइए वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इसके इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल BSX, जी हाँ फेस टू वाला FI 4 स्ट्रोक 2 वाल्व रॉयल इनफील्ड कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का इंजन दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 BHP की 6100 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। इसके इंजन से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इसी के साथ साथ माइलेज की अगर बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक मिल जाता है। माइलेज के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। 5 गियर मिलते हैं, फर्स्ट डाउन ऑल अप, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। राइडर फुट पैड फोल्डेबल मिलता है जो कि ऑटो अनफोल्ड के साथ में आता है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, रॉयल इनफील्ड हंटर 350 को मेंशन किया है। यहाँ पर एडिशनल ये प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये देखिए। इसके सीट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सिंगल सीट मिलती है, सीट जो है राइडर और प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। यहाँ पर ये बैक सपोर्ट भी एडिशनल ऐसे एसरीज लगा हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया है। यहाँ पर देखिए साड़ी गार्ड मिलता है, लेडी फुट पैड नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर नेकेड चैन सेट मिलता है कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। पिलियन फुट पैड फोल्डेबल, काफ़ी सेटिस्फाइंग यहाँ से साउंड आती है, ये देखिए काफ़ी गजब। बात करते हैं इसके रियर टायर की, रियर में कंपनी ने MRF के ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। आइए टायर साइज भी देख लेते हैं क्या है। ये देखिए 140 सेक्शन का टायर मिलता है, 140 70 17। रियर टायर में ग्रिप कुछ इस तरीके की मिलती है, काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर है। ये है इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल, टेल लाइट LED में मिलती है, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में ही आते हैं। नंबर प्लेट लाइट की अगर बात की जाए तो ये देखिए LED में ही मिलती है। बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है और रियर व्हील में कंपनी ने 270mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। ये देखिए इसका एग्जॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखा है कंपनी ने। यहाँ पर देखिए इस पर सिंगल मफलर मिलता है जो कि ब्लैक कलर में है। यहाँ पर एडिशनल ये हुक भी है और प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। रियर ब्रेक ऑयल, रियर फुट पैड फोल्डेबल मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। राइडर फुट पैड फोल्डेबल, रियर ब्रेक लीवर, ये देखिए ऑफरोडिंग वाले स्टाइल में दिया गया है। इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, रॉयल इनफील्ड को मेंशन किया है। राइट साइड से इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। ये देखिए लो बीम हाई बीम देख लेते हैं, ये रहा इसका लो बीम हाई बीम। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। काफी सेटिस्फाइंग साउंड है एग्जॉस्ट से, इंजन से। इसका इंजन पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया गया है। इसमें आप RPM मीटर को मिस करेंगे। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा श्री राधे गोविंदा को, जिन्होंने ये बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है। इनका यह रॉयल इनफील्ड का शोरूम दिल्ली में ओखला फेस 2 में अवेलेबल है। यदि आपको रॉयल इनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। यदि आप यह वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहां जाकर आप ज़रूर बताएं कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं, हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। आइए अब बात करते हैं इसकी प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। रॉयल इनफील्ड कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 30,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई आप इस बाइक से माइलेज मैक्सिमम 35 तक कम निकाल सकते हो, फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है।
और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। गाइस ये बाइक जो है आपको मल्टीपल वेरिएंट्स में मिल जाएगी, सिंगल चैनल ABS में भी मिल जाएगी, डुअल चैनल ABS में भी मिल जाएगी, सिंगल टोन में भी मिल जाएगी, डुअल टोन में भी मिल जाएगी। ये इसका मिड वेरिएंट है जिसमें आपको अलॉयज मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS मिल जाता है और डुअल टोन में ये बाइक है, ठीक है, वाइट कलर में है। इसकी एक्स शोरूम स्टार्टिंग होती है 175,000 से, यानी कि 175,000, और यह बाइक ऑन रोड लगभग आपको 195,000 यानी कि 195,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। भाई देखो प्राइस मैंने आपको बाइलिंगुअल बता दी है, हिंदी और इंग्लिश। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, कोई कहता है हिंदी बताइए, कोई कहता है इंग्लिश में बताइए, तो मैंने दोनों में ही बता दिया है, ठीक है। और प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, आप प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। गाइस जिस किसी की भी हाइट कम है और जो भी रॉयल एनफील्ड की तरफ जाना चाहता है, ये बाइक उनके लिए एकदम से परफेक्ट है, ठीक है। इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसी के साथ साथ भाई क्लासिक वाला आपको इंजन मिल रहा है, और आप रुपये कितने खर्च कर रहे हो, सीधे सीधे आपके 50-60-70 हज़ार रुपये बच रहे हैं और आपको इंजन वही मिल रहा है। और इसी के साथ साथ इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डुअल चैनल ABS है। और एक और मैं आपको बताऊँ बेहतरीन वाला पॉइंट, प्लस पॉइंट इसका, रोनिन 225cc की है, ठीक है। और इसका जो मैं आपको वेरिएंट दिखा रहा हूँ डुअल चैनल ABS में, हालांकि इसमें USD सस्पेंशन नहीं है, वो एक अलग बात है, फुली डिजिटल मीटर नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये उससे सस्ती आपको मिल रही है। लेकिन इसमें आपको रॉयल एनफील्ड का 350cc का इंजन मिल रहा है, हालांकि किसी में कुछ प्लस है, किसी में कुछ प्लस है, डेडिकेटेड इनके कंपैरिजन भी आ जाएंगे, तो उसमें मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन की अगर बात की जाए तो भाई अभी तो मुझे इसमें कुछ भी ऐसे खास कौन लग नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आप इस बाइक को अवॉइड कर सकें। वैसे तो ये बाइक एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस बाइक की प्रॉपर राइड करने वाला हूँ, और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। यदि उसमें मुझे कुछ भी कौन लगेगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। जैसी वीडियो अपलोड होगी, जैसी पब्लिश होगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, जो भी मैंने इसका वॉकराउंड किया, जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बाइक 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हां भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।